विज्ञान भाग दो पाठ पाँच हरित ऊर्जा की दिशा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसमें हम लोग आज तीसरे पॉइंट विद्युत निर्मित प्रक्रिया और पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत के द्वारा ऊर्जा कैसे निर्मित की जाती है, इस बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। जल विद्युत निर्मित केंद्र में जलाशयों में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। बहता हुआ पानी गतिशील होने के कारण पाइप द्वारा बांध की नाली के पास लगाए हुए टरबाइन में लाकर उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन में लगे हुए ब्लेडों को घुमाया जाता है और टरबाइन से जनित्र जुड़ा होता है जिसके कारण जनित्र घूमता है और विद्युत निर्मित होती है। जैसे इस आकृति में दिखाया गया है कि बाई तरफ ए बी सी जलाशय है। जलाशय की बांध में बी बिंदु से पानी को छोड़ा जाता है और टरबाइन तक लाते हैं, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूमती है, उससे जनित्र घूमता है और विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार का ईंधन ज्वलन नहीं होता है, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। परंतु बड़े बांधों के कारण होने वाले लोगों का विस्थापन, पानी में समा जाने वाले जंगल, उपजाऊ जमीन और पानी में सजीव सृष्टि पर होने वाले विपरीत परिणाम के वजहों से जल विद्युत केंद्र यह पर्यावरण स्नेही है या नहीं, यह हमेशा विवादों का विषय रहा है। जल विद्युत निर्मित केंद्र से होने वाले कुछ लाभ इस प्रकार के हैं। जैसे पहला, जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, अतः ईंधन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मिति संभव है। तीसरा, विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध में पुनः पानी भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मित अखंडित हो सकती है। लेकिन साथ साथ इसके कुछ समस्याएं या दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे पहला, बांध में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे बहुत बड़ी जमीन पानी में आ जाता है, जिसके कारण कई गांव विस्थापित हो सकते हैं। विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वसन का प्रश्न निर्माण होता है। बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन और जंगल पानी में समा सकते हैं। दूसरी समस्या होती है कि बहते हुए पानी के प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर भी विपरीत परिणाम पड़ता है। हमारे देश में कुछ प्रमुख जल विद्युत निर्मित केंद्र एवं उनकी निर्माण क्षमता कितनी है, यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे टेहरी, यह उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर 2400 मेगावाट विद्युत निर्मित होती है। ऐसे कोयना महाराष्ट्र में 1960 मेगावाट, श्री सैलम आंध्र प्रदेश में 1670 मेगावाट तथा नाथप्पा झाकरी हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट विद्युत निर्मित केंद्र स्थापित हैं। इसी प्रकार हम विद्युत निर्मित जल के द्वारा पर्यावरण स्नेही है या नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। इस पर अपने विचार आप लोग व्यक्त करें तथा कम से कम 8 से 10 लाइन में इसे अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।